शोर थम गया। दूसरे चरण में बिहार की 5 सीट पर वोटिंग होनी है। बिहार में 5 सीटों के लिए प्रचार का शोर थम गया। दूसरे दौर में 26 अप्रैल को भागलपुर, बांका, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया में वोट डाले जाएंगे। 2019 में किशनगंज सीट कांग्रेस जीती थी, बाकी चारों सीट जेडीयू के खाते में आई थी। 2019 में जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन था और 5 सीट पर जेडीयू का उम्मीदवार चुनावी मैदान में था। इस बार भी 5 सीट पर जेडीयू के उम्मीदवार हैं। पीएम मोदी ने पूर्णिया में जेडीयू उम्मीदवार के लिए प्रचार किया तो अमित शाह ने कटिहार में, राजनाथ सिंह ने भागलपुर में प्रचार किया तो नीतीश कुमार सभी 5 सीटों पर चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे। पूर्णिया में पीएम की रैली में सीएम के नहीं होने को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए थे। इन 5 सीट में सबकी नजर पूर्णिया पर है। यहां त्रिकोणीय मुकाबला है। जेडीयू से संतोष कुशवाहा हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में हैं। तो राजद ने पहली बार जेडीयू की विधायक रही बीमा भारती को चुनावी मैदान में आरजेडी के टिकट से उतारा है। पप्पू यादव निर्दलीय मैदान में हैं। टिकट की आस में पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय किया था, लेकिन सीट आरजेडी के खाते में चली गई और पप्पू यादव को निर्दलीय ही लड़ना पड़ा। पप्पू यादव की वजह से ये मुकाबला त्रिकोणीय बन गया है। यहाँ मुस्लिम वोटर सबसे ज्यादा हैं। तेजस्वी यादव ने 5 दिन यहाँ प्रचार किया है, रैली और रोड शो के जरिए वोट मांगा है। अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को तो आप एनडीए को चुन रहे हो। किशनगंज सीट पर भी मुकाबला त्रिकोणीय ही है। कांग्रेस के जावेद और जेडीयू के मुजाहिद आलम के बीच एमआईएम के अख्तरुल ईमान चुनावी मैदान में है। पिछली बार भी त्रिकोणीय मुकाबले में जावेद जीत गए थे। मल्लिकार्जुन खड़गे, ओवैसी और नीतीश कुमार ने यहां चुनाव प्रचार किया है। कटिहार में कांग्रेस के तारिक अनवर और जेडीयू के दुलाल चंद गोस्वामी के बीच चुनावी मुकाबला है। दोनों पुराने प्रतिद्वंदी हैं। भागलपुर में कांग्रेस के अजीत शर्मा इस बार जेडीयू के अजय मंडल को चुनौती दे रहे हैं। अजीत शर्मा भूमिहार जाति से आते हैं। अभिनेत्री नेहा शर्मा के पिता हैं। राहुल गांधी ने यहां रैली भी की थी। बांका इस बार चुनाव में ज्यादा चर्चे में नहीं आया। यहां दो पुराने प्रतिद्वंदी एक दूसरे के आमने सामने हैं। जेडीयू से मौजूदा सांसद गिरिधारी यादव तो आरजेडी से जयप्रकाश नारायण यादव एक दूसरे के सामने ताल ठोक रहे हैं। बिहार में ऐसी कुछ ही सीट है जहां दोनों तरफ से एक ही जाति के उम्मीदवार हों, उनमें बांका भी एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने विवादित बयान देते हुए कहा कि 26 अप्रैल जुम्मा का दिन है, उस दिन शैतानी ताकत को कामयाबी नहीं मिलेगी। अब ओवैसी के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। जुम्मे के दिन शैतान की कामयाबी नहीं होगी। शैतान जो होता है दूसरे को ही शैतान कहता है। चुनावी लड़ाई शैतान तक आई। अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने दूसरे फेज की वोटिंग से पहले देश की सियासत में शैतान की एंट्री करा दी है। किशनगंज में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि 26 अप्रैल को आपको एक तारीख बनाना है। उस दिन जुम्मा का दिन है, मुबारक दिन है, और उस दिन शैतानी ताकत को कामयाबी नहीं मिलेगी, ना ही शैतान को कामयाबी मिलेगी। इसलिए नमाज पढ़ने से पहले और बाद दोनों समय वोट डालिए। 26 तारीख को जुमे का दिन है, मुबारक दिन है। जुमे के दिन शैतान की कामयाबी नहीं होगी, ना शैतानी ताकतों की कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला। किसकी कामयाबी होगी? आपकी कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला।
असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर बेगूसराय से बीजेपी के उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि शुक्रवार का दिन संतोषी माँ का है, माँ का मुंह देखकर जाएंगे तो सारे शैतान भाग जाएंगे। जो भी वो शैतान छोड़ेंगे, सारे शैतान को डब्बे में बंद करके उस दिन हम लोगों के शुक्रवार को संतोषी माता होती है, संतोषी माता का मुंह देख के जाएगा, सारे शैतान नाश हो जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी अक्सर बयान देते हैं जिस पर विवाद होता रहता है। एक बार फिर ओवैसी ने विवादित बयान देकर चुनावी माहौल को गर्मा दिया है। सवाल ये कि क्या वोटों के ध्रुवीकरण के लिए नेताओं का इस तरह का बयान ठीक है? न्यूज 18 के लिए किशनगंज से आशीष सिन्हा और बेगूसराय से संतोष की रिपोर्ट। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।